फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक पकोड़ा बनाएंगे जो कि शायद एक बिहारी रेसिपी है, क्योंकि मैं जब झारखंड आई थी तब यहाँ पे मैं पहली बार खाई थी। तो आज हम ये पोई का पत्ता का पकोड़ा बनाएंगे। तो इसको मैं एकदम बारीक बारीक, जैसे आप जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिए, और इसको अच्छे से धो लेंगे। हम धो के मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ, तो मैं इसको धो के इसमें प्लेस कर दी हूँ। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्च। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे, और ये चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटे से ये थोड़ा क्रिस्प लगता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साग में पानी है, अगर ये बाइंड हो जाता है तो इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जब हमारा ये बाइंड हो जा रहा है तो इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे। तो अब इसका पकोड़ा बना लेते हैं। तेल में गरम कर दी हूँ, इसको गोल गोल करके ऐसे चपटा चपटा करके यहाँ बनाते हैं। अब गोल गोल भी बना सकते हैं, इसी तरह से हम बना लेंगे और इसको छान लेते हैं। तेल गरम हो गया था तो मैं अभी फ्लेम को मीडियम पे रख ली हूँ। आप लोग इसको बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। उड़ीसा में हम लोग इसको बस साग ही बनाते थे या फिर टमाटर डाल के बनाते थे। तो ये एक तरफ से हल्का सा गोल्डन हो जाए फिर इसको हम पलटा लेंगे। अब इसको हम पलटा लेते हैं। अब इधर से भी हम 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा उल्टा पुल्टा को इसको मैं फ्राई कर ली हूँ। दोनों तरफ से ये लाल भी हो गया है और ये अंदर से कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी सबको भी मैं छान ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोई साग का पकोड़ा तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी है, मैं आपको एक तोड़ के सुनाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इसको जरूर बनाइए, और ये राइस के साथ भी खाया जाता है और आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।